404 और 96 का एलसीएम और एचसीएफ हमें दोनों निकालने हैं बेटा, और उसके बाद फॉर्मूला वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर से अभाज्य गुणनखंड से हम इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। दो पे जाएगा, आपको आता है, 101 प्राइम नंबर है, अपने आप से ही जा पाएगा। तो इसके फैक्टर क्या बने, 2 की घात 2 गुणा 101, ऐसे 96 के आप निकाल लेंगे। देखिए 2 की घात 5 गुणा 3। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, हर गुणनखंड का हम छोटी घात देखेंगे, 2 की घात 2 और 2 की घात 5 में छोटा कौन है, 2 की घात 2, तो आंसर बन गया 4। और एलसीएम निकालते टाइम हम बड़ी घातें देखते हैं, तो ये क्या बन गया, 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 101। अब बेटा हमें फॉर्मूला वेरीफाई करना है, तो यहाँ हम अपना कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूले के नीचे हमने इनकी वैल्यूज रख दी, 4 और 2 की घात 5 आपको पता है 32 होता है, गुणा 3 गुणा 101, और इस तरफ दोनों टर्म्स लिखते 404 गुणा 96। अभी फिर से हमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, यहीं से हम इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं। तो सबसे पहले 4 को हटाते हैं यहाँ से, 4 को भाग में ले गए उधर, 4 से 404 कट गया 101 पे, तो इधर रह गया 101 गुणा 96। अब देखिए 101 से 101 कट गया, अब दोनों साइड यहाँ 96 बच रहा है, यहाँ पे भी 96 बचना चाहिए, तो आपको पता है 32 गुणा 3 क्या होता है, 96 होता है, दैट मीन्स दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, एंड हैंस द फॉर्मूला इज़ वेरीफाइड।